नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ज्योति गनौज। दंपत्ति लूट कांड का पुलिस ने किया खुलासा, तीन लुटेरों को 22 सहित पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक दिन में चार स्थानों पर लुटेरों ने लूट की घटना को दिया था अंजाम। दो मैनपुरी व दो इटावा जनपद की घटनाएं की है स्वीकार। मुख्य अभियुक्त पर एक दर्जन से अधिक लूट के मामले हैं दर्ज। दो माह पहले जेल से बाहर जमानत पर आया था लुटेरा, आते ही ताबड़तोड़ लूटे करके पुलिस के लिए बढ़ाया सरदर्द। लुटेरे सुनसान जगह पर घटना को देते थे अंजाम, जनपदों के बॉर्डर पर घटना करते थे कार्य। जनपद में हुई दोनों लूट की घटनाओं में 100% पुलिस ने माल किया बरामद। एक फरार आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने की कह रही है बात। घटना थाना करहल क्षेत्र के अंतर्गत सैफई बाईपास मार्केट। अनिल पीछे खड़ा, दो चार पाँच सेकंड हो जाएगा। इधर जनपद में और पड़ोस के जनपद इटावा में कई घटनाएं हुई थी लूट की। तभी से हमारी सर्विलांस की टीम, इंस्पेक्टर कुर्रा, इंस्पेक्टर करहल, इसमें कई टीमें लगी हुई थी और मोबाइल लोकेशन, सर्विलांस, मुखबिरी सभी के आधार पर इसमें आज देख रहे हैं कि दो साथी अभियुक्त, जिसमें एक रामू है, दूसरा सोनू है और खरीदार जो कि बिदुना औरैया कराने वाला है सुनार, ये गिरफ्तार किए गए हैं। रामू जो कि यहीं पे किसनी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और दूसरा अभियुक्त जो कि ये जसवंत नगर इटावा का है। रामू के ऊपर पहले भी कम से कम 12-15 मुकदमे हैं और ये साथी अपराधी था। ये चलते हुए लोगों से मोटरसाइकिल आगे लगा करके और इस तरह लूट की घटनाएं कर रहा था। इन अभियुक्तों के पास से यहाँ के दोनों मामलों में लूटे हुए सामान, साथ में चौबिया थाना इटावा और उसराहार थाना, वहाँ भी लूट की घटनाएं इन्होंने खरीद की थी। सभी वहाँ के जो आवेदक हैं उन्होंने पहचान लिया है और उनका भी सामान इसमें है। मैं इकट्ठे के लोग गिरफ्तार किए गए हैं। घटना के समय में इन लोगों के जो मोटरसाइकिल यूज़ की थी वो भी मोटरसाइकिल भी बरामद की गई।